भारी पड़ी इमरान खान की यारी। पाक प्रेम पर ऐसा ट्रोल हो गए गुरु। सोशल मीडिया पर लोगों ने लगाई जबरदस्त लताड़। नमस्कार, मैं हूं दिबांजली मोइत्रा। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए हमले को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने जैसे ही जुबान खोली उनका पाकिस्तान प्रेम ऐसा छलका कि भारत में लोगों का गुस्सा भड़क गया। जिस वक्त देश अपने शहीदों के शव सड़क से चुन रहा था, सिद्धू को आतंक का ना कोई देश और ना ही कोई धर्म दिखाई दे रहा था। बदला लेने के जुनून में लोगों का खून खौल रहा था तो सिद्धू अपने यार इमरान खान से बातचीत की दुहाई दे रहे हैं। वो इमरान खान जो आईएसआई और आतंकियों की गोद में खेल रहे हैं, और जब लोगों ने सिद्धू को उनकी हकीकत दिखाई तो अब उन्होंने इसका ठीकरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर फोड़ दिया है। अपनी शेरो शायरी और मजेदार बातों से चौके छक्के मारने वाले सिद्धू ने खुद की हो रही ट्रोलिंग को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि पीएम साहब, आपका डायलॉग खुददारी, किसी और का डायलॉग गद्दारी, सत्य पड़ेगा तुम पे भारी, नहीं डरते तुम्हारे भाड़े के ट्रोल से। इससे पहले सिद्धू ने एक और ट्वीट किया और इस बार उनके निशाने पर थी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जिन्होंने हाल ही में सिद्धू को जयचंद कहकर निशाना साधा था। सिद्धू ने स्मृति को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कितने चुनाव जीते, दो हारे, हारे हुए के सहारे हैं पुराने जयचंद जी। दरअसल पुलवामा हमले को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि कुछ लोगों की करतूत के लिए पूरे पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उनके इस बयान पर विरोधियों समेत सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने उन्हें आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया था। वहीं स्मृति ईरानी ने सिद्धू का नाम लिए बगैर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपना दोस्त मानने वाले लोग आधुनिक भारत के जयचंद हैं। भारत की जनता ऐसे लोगों को समय आने पर जरूर सबक सिखाएगी। आपको बता दें कि जयचंद ने 1192 में पृथ्वीराज चौहान को युद्ध के समय धोखा दिया और मोहम्मद गोरी से जा मिले थे। वहीं बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा कि जब हमारे देश के 40 जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया हो तो उन्हें पाकिस्तान के प्रति इतना प्यार नहीं दिखाना चाहिए। ये खून खराबे का करतारपुर से क्या लेना देना भाई, वो जोड़ता है लोगों को, दिलों को आस्था से। जब आदमी पिलग्रिम बन के जाता है उसकी आस्था से वो अलग ही इंसान होता है। तो मुझे जो लगता है कि हमें चिंतन करना चाहिए और इस जड़ तक पहुंचना चाहिए और जड़ को निकाल फेंकना चाहिए, और इसके लिए सब इकट्ठे होके, एकजुट होके, एकमुठ होके, इंटरनेशनल कम्युनिटी इकट्ठी होके बातचीत करें और इंटरनेशनल प्रेशर। जी, मैं कहता हूँ भरपाई तो हो नहीं सकती, लेकिन चाहे पंजाब का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे का है, तो वो हिंदुस्तानी, वो हमारे लहू का हिस्सा है, हमारे परिवार में वो सर्वोच्च है, क्योंकि वो हमारे लिए जाने देते हैं, हमें महफूज रखने के लिए, रातों की नींद हमारी अगर है तो उनकी वजह से। सो वो मुझे लगता है कि उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा ऑनर मिलना चाहिए और उनके परिवारों को सहयोग मिलना चाहिए कि इस दुख के समय पे बहुत से कंधे हैं जो ये दुख बांटेंगे। कांग्रेस पार्टी अधिकृत रूप से कहती है कि हम देश के साथ हैं, बट लेकिन कांग्रेस के कई नेता, मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू और उनके मीडिया डिपार्टमेंट के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला, ये पाकिस्तान के साथ खड़े दिखते हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू जी को एक पाकिस्तान के माउथपीस बनने की क्या आवश्यकता है? वैसे कोई उन पर कोई इस प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कम से कम चुप्पी तो साधते। ऐसे समय जब 40 हमारे जवानों की उनको मौत के घाट उतार दिया पाकिस्तान के द्वारा, तो उनके उनके वक्ता बनकर और पाकिस्तान के दलील प्रस्तुत करने के लिए भारत की जनता ने उनको विधायक और मंत्री नहीं बनाया है? यदि इतने ही प्रेम है पाकिस्तान के प्रति, तो फिर उनको अपनी राजनीतिक जीवन छोड़कर उसी अलगाववादियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि आप भारत के संविधान के प्रति आपने श्रद्धा जताते हुए आपने एक मंत्री का शपथ लिया है, और इस देश की रक्षा करना, देश की जनता का उनका भावनाओं का कदर करना, और ऐसे राज्य जहाँ से सबसे बड़ी संख्या में, पंजाब से हमारे बड़ी संख्या में सेना में लोग शामिल होते हैं, ऐसे कई लोग अपनी जान गंवा दिए हैं,
तो उनके प्रति संवेदना जताने के बजाय उनको एक पाकिस्तान जैसे आतंकी देश के प्रवक्ता के रूप में बोलना हमें बहुत कष्ट देता है। गुरु अपने बयान पर ऐसे घिरे कि विपक्षी दलों के साथ कांग्रेस ने भी उन्हें आड़े हाथों ले लिया। दिग्विजय सिंह ने तो सिद्धू को ट्वीट कर ये हिदायत भी दे डाली कि वो अपने दोस्त इमरान खान को आतंकवाद रोकने के लिए समझाएं, उनकी वजह से ही गाली पड़ रही है। तो वहीं इमरान से यारी का असर टीवी पर्दे पर भी देखने को मिला, जब लोगों के गुस्से की वजह से उन्हें कपिल के शो से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। चारों तरफ से ठोकरें खाने के बाद सिद्धू अब सफाई देते फिर रहे हैं। मेरी बात जो होती है ना, उसको डिस्टॉर्ट किया जाता है, एक लाइन बोली जाती है उसमें, उसको पूरी तरह से दिखाया नहीं जाता, क्योंकि बहुत लोग भयभीत होते हैं, समझ रहे हो ना, इनसिक्योर भी होते हैं। लेकिन मैंने यही कहा था, जो कल कहा था, आज भी वहीं खड़ा हूं, ये आतंकवाद का ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है, ना कोई देश है, ना कोई जात है। और जैसे लोहा लोहे को काटता है, आग आग को काटती है, सांप जब डंक मारता है तो उसका एंटीडोट सांप का विष है, वैसे ही कुचला जाना चाहिए कहीं पे भी। और यही स्टेटमेंट कल थी, लेकिन इसमें से एक चीज उठा लेते हैं वो, और वो चीज उठा के फिर सुन, मैं आगे बता रहा हूं आपको, आगे मेरी पहली बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जो निर्णय को करें वो आपके ऊपर है, आप बहुत सयाने लोग हैं। जिस डायलॉग की बात की थी कि 70 साल से ये बंद नहीं हुआ, जब कोई पॉलिटिशियन जाता है तो शहर जाम हो जाते हैं, जब 3,000 जवान जाता है तो भाई ट्रैकर क्यों नहीं चलता? तो फिर भाई उन जवानों की जो हमारी सुरक्षा के लिए रात दिन लगाते हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान क्यों नहीं रखा जाता? और उसका एक डिमोरलाइजिंग इफेक्ट आता है, क्यों उनको बाय एयर नहीं ले जाया गया सवेरे 3 बजे से? वो चलते, ये चिंतन के विषय है। सारा देश एकजुट होकर लड़ रहा है, लेकिन क्या इन 3-4 लोगों की वजह से आज करतारपुर साहब के कॉरिडोर पे क्वेश्चन मार्क लगेगा? प्रधानमंत्रियों के किए हुए निर्णय पे क्वेश्चन मार्क लगेगा? बाबा नानक भी बाबर से लड़े थे, बाबा नानक के चरणों की धूल है ये नवजोत सिंह सिद्धू, लेकिन बाबा नानक की फिलॉसफी क्या थी, क्या है, ये सारी दुनिया जानती है। कहते हैं कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात कभी वापस नहीं आ सकती। सिद्धू ये बात भूल गए। जब पाकिस्तान के विरोध में देश में लोगों का खून खौल रहा हो तो उन्हें अपनी बात सोच समझ कर रखनी चाहिए, इसीलिए अपनी गलती का ठीकरा प्रधानमंत्री के सिर फोड़ना ठीक नहीं। ये खून खराबे का करतारपुर से क्या लेना देना भाई, वो जोड़ता है लोगों को, दिलों को, आस्था से जब आदमी पिलग्रिम बन के जाता है, उसकी आस्था से वो अलग ही इंसान होता है। तो मुझे जो लगता है कि हमें चिंतन करना चाहिए और इस जड़ तक पहुंचना चाहिए और जड़ को निकाल फेंकना चाहिए, और इसके लिए सब इकट्ठे होके, एकजुट होके, एकमुट होके, इंटरनेशनल कम्युनिटी इकट्ठी होके बातचीत करें और इंटरनेशनल प्रेशर पर आए। सर, शहादत की बात करें, हमारे जवान पंजाब से जी, किस तरह से श्रद्धांजलि? मैं कहता हूँ भरपाई तो हो नहीं सकती, लेकिन चाहे पंजाब का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे का है, तो वो हिंदुस्तानी, वो हमारे लहू का हिस्सा है, हमारे परिवार में वो सर्वोच्च है, क्योंकि वो हमारे लिए जाने देते हैं, हमें महफूज रखने के लिए, रातों की नींद हमारी अगर है तो उनकी वजह से है। सो वो मुझे लगता है कि उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा ऑनर मिलना चाहिए और उनके परिवारों को सहयोग मिलना चाहिए कि इस दुख के समय पे बहुत से कंधे हैं जो ये दुख बांटेंगे। और मैंने उसके ऊपर तभी रिस्पॉन्ड करना था क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया गया, लेकिन हमारा एक बहुत अहम विजिट थी, क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया की इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस थी, जिसकी हम बहुत देर से तैयारी में थे, लिहाजा मैंने तब इसलिए फैसला किया जवाब ना देने का, क्योंकि सारी अटेंशन उस कॉन्फ्रेंस से और उनकी विजिट से इसके ऊपर चली जानी थी। इसलिए जब क्राउन प्रिंस वापस गए, मैं आपके सामने जवाब दे रहा हूं, और मैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट के लिए जवाब दे रहा हूं। पहले तो आपने
पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया, ना कोई एविडेंस, ना कोई सोचा कि इसके अंदर पाकिस्तान का क्या फायदा है। अगर पाकिस्तान इतनी अहम कॉन्फ्रेंस कर रहा था और इतनी विजिट जो क्राउन प्रिंस की थी, जो हम इतनी देर से प्लान कर रहे थे, कोई अहमक भी इस तरह का वाक्या करेगा अपनी कॉन्फ्रेंस को सैबोटाज करने के लिए।